जश्न इश्क में अब तक आपने देखा कैसे हमारी नटखट सी क्यूट ट्विंकल तनेजा प्यार करती है युवराज लूथरा से। ट्विंकल और युवी की मम्मियां यानी कि लीला और अनीता की कट्टर दुश्मनी है, लेकिन फिर भी ट्विंकल युवी से बेहद प्यार करती है और वो चाहती है कि दोनों माओं की दुश्मनी खत्म हो जाए। ट्विंकल रात को खाने के बाद सबसे छुपकर युवी से मिलने उसके घर जाती है। आइए आज के एपिसोड में देखते हैं कि क्या ट्विंकल युवी के घर से सही सलामत अपने घर वापस लौट पाती है। राज बाबा, आपका बादाम मिल्क। युवी, ओए रुक, तेरे नाल एक गाल करनी है। ये रॉकी का ही काम हो सकता है। रॉकी, युवी, ये मेरी बात सुने बिना कहाँ चला गया? ओए तो सुन, वो साफ कर, सारा टूट गया। चल। ओफो बाबा जी, आज फिर युवी मेरे सपने में आते आते रह गया। पता नहीं कब मेरे सपने में आएगा और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। आज मेरा सपना पूरा हो गया लीला जी। आखिर एक माँ को और क्या चाहिए कि उसकी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में हो। आज मेरी बेटी चिंकी की सगाई है, लेकिन आपको इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत ही नहीं थी। चिंकी आपकी जितनी बेटी है ना, उतनी हमारी भी है कि नहीं? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि चिंकी की सगाई हमारे यहाँ, हमारे घर। मैं अपने हाथों से उसकी सारी अरेंजमेंट करना चाहती हूँ। अरे मेरे लिए तो ये खुशी की बात है। चिंकी अपने घर से ज्यादा तो आपके घर में रहती है। वो तो खुशी से पागल हो जाएगी जैसे उसको पता चलेगा ना कि उसकी सगाई ट्विंकल के घर में हो रही है। देखो लीला जी, तुसी माइंड ना करना। जिस तरह से मेरे लिए चिंकी है वैसे ही ट्विंकल। आज मैं आपसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। बोलिए ना मिसेस कौर। अब कुछ छुपा तो है नहीं। अब अमृतसर में कोई भी खानदानी पंजाबी फैमिली का लड़का बचा नहीं है जिससे आपने ट्विंकल की बात ना चलाई हो। पर बात बन नहीं पाई। मैंने सोचा मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूं। वैसे मेरी नजर में एक अच्छा रिश्ता है। कौन है वो? ये है मिस्टर मनोहर सरना। वही सरना इंडस्ट्रीज वाले ना, जिनका अभी अभी टीवी पर इंटरव्यू आया था, जिन्हें पंजाब गोल्ड अवार्ड मिला था। सही पहचाना आपने लीला जी, ये वही मिस्टर सरना है और इनका बेटा कुंज सरना दुनिया का मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। हर कोई सरना खानदान से रिश्ता जोड़ना चाहता है और इन्हें अपने बेटे के लिए खानदानी लड़की चाहिए। और आज ही मिस्टर सरना इंडिया आ रहे हैं। मुझे लगा कि यहाँ पर ट्विंकल की बात चल सकती है और इसीलिए मैंने चिंकी की सगाई में इनको इनवाइट किया है। ये तो आपने बड़ा चंगा सोचा है जी। इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई हैं आप। मेरे सर से इतना बड़ा टेंशन कम कर दिया है आपने। बस इस बार भाई गुरु मेरी सुन ले तो चिंकी के बाद मैं ट्विंकल का रिश्ता पक्का कर दूं।
और मेरा सपना भी पूरा हो जाए। सच। अरे जल्दी हाथ चलाओ, क्या कर रहे हो ये? अभी सर के आने का टाइम हो गया है। अरे ये क्या गलती करते हो? तुम्हें पता है मनोहर सर को गलतियों से सख्त नफरत है। तुम्हारी तो नौकरी जाएंगी, साथ में मेरी भी जाएंगी। फटाफट साफ करो इसे। मैं अपने प्राइवेट जेट से इसलिए नहीं आया हूं कि तुम समय से पहले आगे आरती कर दो। तुम्हें इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि मैं गुरुजी के बताए हुए समय पर ही घर में कदम रखूंगा, और गुरुजी ने मुहूर्त निकाला है 11 बजे का, और अभी 11 बजने में 10 सेकंड बाकी हैं। Yes, Mr. Sam. Hold on. Yeah. Sir, Mr. Sam का फोन है लंदन से। अभी नहीं, अभी मुझे कुछ और करना है। Okay, sir. बाद में बात करते हैं। कैसी लग रही है मेरी जायमान? अपनी लैंग्वेज में सुपर हॉट, और तेरी लैंग्वेज में एकदम पटाका। हमेशा जितनी अच्छी लगती है ना, आज उसे 10 times ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। अच्छा, एक सेल्फी क्लिक करके भेज, मैं देख सकूँ तो पटाका कैसे लग रही है। ये क्या कर रही है? हाथ का फोटो? अरे मैं तुझे देखना चाहता हूँ पागल, तू क्लिक करके भेज। मिली? ये तो क्या कर रही है? कभी हाथ कभी दुपट्टा। मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरे हाथ और ब्रेसलेट नहीं। अच्छा forget everything, वीडियो कॉलिंग कर। No. Why no? इतनी दूर से ना इतना ही देखने को मिलेगा। तेरे लिए मुझे देख पाना impossible है, क्योंकि चिंकिंग की एंगेजमेंट मेरे ही घर पे हो रही है। अगर सच्ची मुझे देखना चाहता है ना अच्छे से, अगर तुझ में हिम्मत है तो चिंकी की सगाई में मेरे घर आके दिखा, और देख ले मुझे मैं कैसी लग रही हूँ। बोल, है हिम्मत? हिम्मत तो बहुत है, अब तू देख मैं क्या करता। मैं तेरे घर तनेजा हाउस आऊंगा, तू देखती रहियो, वेट एंड वॉच। बेटा यूवी, ये मिस अमृतसर कॉम्पिटिशन नहीं है जहाँ तू हेलमेट लगा के बाइक पे आएगा, मुझे उठा के ले जाएगा। ये चिंकी की सगाई है, ये हमारे सारे रिश्तेदार होंगे और मेरी फैमिली भी होगी, और तू और तेरी फैमिली तो इनवाइटेड भी नहीं है, तुझे दरवाजे से ही भगा देंगे। ट्विंकल तनेजा, एक गर्ल सुन, यूवी को तुझसे मिलने के लिए किसी की इनविटेशन की जरूरत नहीं है। मैं तेरी फैमिली के सामने आऊंगा भी, तुझे ताड़ूंगा भी, और तुझे कॉम्प्लीमेंट भी दूंगा, और तू देख मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतनी वड्डी वड्डी बातें, हाँ चल ये तो बता कैसे करेगा। वो तो यूवी पे छोड़ दे। हाँ देखते हैं फिर, आ जा। यूवी आ रहा है। ठीक।
हेलो जी, हेलो जी, आ गई सालों का हेलो है जी लीला दीदी। हेलो हस्बैंड जी, कैसे हो जी? पूरे दुबई का सोना खरीद के लाई क्या? नाइस है ना जी? नाइस तो है। वैसे दीदी जी, मैंने आपको कितनी बार टैल किया है, पिन्नी विन्नी ना बोला करो मुझे, जस्ट कॉल मी पी। ओए तेरा नाम तो पिन्नी है ना, कितना अजीब लगेगा पूरे घर में मैं पी पी बुलाती रहूं तो। अजीब नहीं दीदी जी, स्टाइलिश। और वैसे मुझे ना ये चप्पियां पफियां भी पसंद नहीं है, एक करण जौहर की तरह ना चीकू चीक एयर किस करते वैसे जी, वो करते ना करण विद कॉफी में। माँ करण विद कॉफी नहीं होता, कॉफी विद करण होता है। मीनिंग तो सेम टू सेम है ना। की टूट रहे हैं मोबाइल? नहीं दर्जी, परफ्यूम ये फालतू की चीजें पसंद नहीं है, कहाँ है वो? ओए मिल गया मिल गया, ओए कब के बिछड़े हुए आज अच्छे मिले, दुबई का राजमा। अरे ट्विंकल जी, मुझे पापा ने बताया कि आप मिस अमृतसर का कॉन्टेस्ट जीत गए, कांग्रेचुलेशंस। आप तो पता है दी बेस्ट, आपका जीता तो पक्का था, आपसे बेटा तो कोई हो ही नहीं सकता। वैसे इसको ना एक और अवार्ड मिलना चाहिए, बॉयज को भगाने का। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है ना किट्टू, उसकी रिलेटिव है मिसेस भल्ला है, वो मिसेस भल्ला ने किट्टू को बोला, किट्टू ने मुझे मैसेज किया था, फिर मुझे पता चला कि कैसे तू उसके बेटे सनी को। मेरी प्यारी पी मामी, कितना सारा डेकोरेशन भी बाकी है, डेकोरेटर भी आता ही होगा। पिन्नी तू सही वक्त पर आ गई, अब हमारी हेल्प हो जाएगी, जा जाकर रेडी हो जा जल्दी। ओहो दीदी जी, तुसी टेंशन ना लो, मैं आ गई हूँ ना, मैं एवरीथिंग मैनेज कर लूंगी। Why fear when P is here? And दीदी जी, आपको एक सीक्रेट बताऊं? दुबई से मैं अपने लिए इतनी एक्सक्लूसिव डिजाइनर ड्रेस लेके आई हूँ कि सारों की आईज ओपन की ओपन ही रह जाएंगी। मैं वेरी एक्साइटेड हूँ, मैं यू गोइंग एंड यू कमिंग, सी यू सून दीदी जी। शहर की मिट्टी की खुशबू की बात ही अलग है। जब मैं 10 साल पहले यहां से निकला था ना, तो मेरे हाथ बिल्कुल खाली, बस कुछ था तो ये जिद कि दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना है, और ये कि ये शहर जाना जाए, क्योंकि मनोहर सरना यहां पैदा हुआ था, और आज मैंने अपने आप से किया हुआ वादा पूरा कर लिया है। आज मैं इस ऊंचाई पर खड़ा हूं जहां ये पूरा शहर, पूरा पंजाब मेरे कदमों में है, और ये सब आपकी वजह से हुआ है गुरु जी। मनोहर, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, एक डायरेक्शन दी है। तुमने आज तक जो कुछ भी हासिल किया है वो सिर्फ अपनी हार्डशिप और डेडिकेशन की वजह से ही हासिल किया है। ये तो आपका बड़प्पन है गुरुजी कि आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं मेहनत तब तक सफल नहीं होती जब तक उसका साथ मोहरत के साथ ना जुड़ा। मेहनत तभी सफल होती है जब सही कार्य सही तरीके से सही समय पर किया जाए, और यही मार्गदर्शन हमें आपसे मिला है। गुरुजी, आपके आशीर्वाद के बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकता, बस मैं ये चाहता हूं कि ये मार्गदर्शन पर हमेशा बना रहे। Blessed you. मनोहर, तुमने बताया था कि आज तुम अपनी वाइफ के साथ पहली बार अमृतसर में अपना अपीयरेंस देने जा रहे हो। जी। उस संबंध में तुमसे बातें करनी थी। हाँ, बोलिए गुरुजी। एक तो आज के दिन फिरोजी रंग से दूर रहना, आज न तुम फिरोजी रंग का कोई कपड़ा पहनना, न अपने आसपास किसी और को कुछ और पहनने देना। फिरोजी रंग आज के दिन तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत अनलकी है। जी। और दूसरी बात, जी, हो सकता है आज लक्ष्मी तुम्हारे सामने साक्षात प्रकट हो जाए,
और वो किस रूप में आएंगी वो तो वो ही जाने। अरे गुरुजी भेंट स्वीकार कीजिए। कोई भी काम ना। मैंने क्या किया? गुरुजी ने कहा है कि आज के दिन फिरोजी रंग हमारे परिवार के लिए अनलकी है। वो मिसेस कौर की बेटी चिंकी की सगाई है तो मैंने ये रंग, गलती हो गई, मैं बदल कर आऊं? बदल के भी क्या हो जाएगा? 10 साल के बाद ये शहर मनोहर सरना को देखेगा। यहाँ के लोगों को एक ही नजर में मनोहर सरना की शोहरत, क्लास और टेस्ट के बारे में पता चल जाना चाहिए। पर तुम कुछ भी चेंज कर लो ना, ऐसे ही दिखोगी। मैंने मेहरा से बात कर ली है, तुम्हारे लिए वो डिजाइनर सूट ले आएगा, उसे चुपचाप पहन लेना। वो स्टाइलिस्ट को बुला लिया है, वो तुम्हें तैयार कर देगी और मेहरबानी करके टाइम पर रेडी हो जाना, समझी तुम? जी। लीला जी, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी मेरी चिंकी की सगाई में, तो कैसे शुक्रिया अदा करूं? ओहो एमके, मिसेस कौर, आई मीन थैंक यू, तो हमें आपका टेल करना चाहिए। आपकी वजह से, बिकॉज ऑफ यू, हमारे घर में देखो कितनी रौनक छाई हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने। बस अब ट्विंकल है ना, जल्दी से चिंकी को तैयार करके ले आई। लड़की वाले आते ही होंगे ना? तुसी चिंता ना करो, ट्विंकल है ना चिंकी नो अच्छे से तैयार करके ले आई। सुनिए कि मिसेस शर्मा और मिसेस गिल यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तो आपके गेस्ट लिस्ट में भी नहीं थे। अरे लीला जी, ये बिन बुलाई मेहमान है। जैसे ही इन्हें पता लगा कि मिस्टर मनोहर सरना आ रहे हैं, सबके फोन कॉल्स आने शुरू हो गए मेरे को। ये सारी लेडीज अपनी बेटियों को इसलिए लेके आई हैं ताकि मनोहर सरना के बेटे कुंज दे नाल इन्हों का रिश्ता हो जाए, और अब ऐसे शुभ दिन में इन्हों कुछ कह भी तो नहीं सकते ना। सो तो है। छड्डो जी, मैं आपको चिंकी के पास लेके जाती हूँ, चेक करते हैं प्रिंसेस रेडी हुई भी है कि नहीं। चलो जी, चलो। हॉट लग रही है मेरी चिंकस्टर, आज से एकदम पटाखा लग रही है। हमारे होने वाले दीदा जी ना एकदम फ्लैट हो जाएंगे, क्या बोलती है? एक एम्बुलेंस बुलवा ले स्टैंड बाय पे। हाँ, कुछ भी बोलती है तू। वैसे हमारे बेहोश होने वाले दीदा जी है का? बस वो आते ही होंगे। वो क्या बात है, अभी से वो हो गए। अरेश मैरिज है, इसमें वो ही चलता है। क्या वही चलता है? अब मेरी लव स्टोरी का तेरे और युवराज की तरह इतनी पैशनेट, फायर वाली और फिल्मी है। पता है ट्विंकल, कभी कभी तो ना मैं तुझसे बहुत जेलस फील करती हूँ। मत कर, और नहीं है ना तो हो जाएगा। शादी के बाद प्यार, पैशन, फायर सब कुछ आ जाएगा। तू भी ना, वैसे तेरा वो है कहाँ? अपने घर पे बैठ के सड़ रहा होगा। तूने तो उसे इन्वाइट किया नहीं ना। हाँ, जैसे कि मैं उसे इन्वाइट कर सकती थी। एक तो तेरी मॉम ने मेरी एंगेजमेंट अपने घर पे रख दी और मैं उन्हीं के घर पे उनके दुश्मन के बेटे को इनवाइट करूं। वाओ, सुपर्ब ना। आई अंडरस्टैंड यार, लेकिन मैंने ना तो पंगा ले लिया। मैंने यूवी का चैलेंज कर दिया कि यहाँ आके अपने मुंह दिखाई करके जाए। चैलेंज किया तूने उसको? ट्विंकल और उसकी खुशियों के बीच में मैं अमृतसर की माँ बेटियों को आने नहीं दे सकती। मनोहर सरना के बेटे कुंज सरना की शादी तो मेरी ट्विंकल से ही होके रहेगी, लेकिन इसके लिए मैंने पहले कुछ करना पड़ेगा।